नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ मस्त बढ़िया शानदार होंगे साथियों आप तो शायद इतने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जानते ही होंगे मेरा नाम गोविंद है पूरा नाम गोविंद मालविया और जो नहीं जुड़े हुए हैं पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ जो जुड़े हुए हैं वो तो जानते होंगे तो साथियों आप हैं लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मुझे सुन रहे हैं काफ़ी समय से मैं और मेरे साथीगण जो हैं एक से एक बढ़के के जो हैं सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपके साथ में जुड़े हुए हैं तो ये आर एस बैच को या आर एस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर कोर्स डिज़ाइन किया गया है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि अपने मित्रों के साथ ज़रूरतमंदों के साथ में भी इसे शेयर करें ये आपका दायित्व बनता है आपको करना चाहिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सारी अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए सबसे पहला काम तो अगर आपके मोबाइल के अंदर लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कीजिए क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी आसानी से आप तक पहुँचेगी और जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है वो समय समय पर अपडेट ज़रूर करें क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के जरिए अब आप कहोगे कि सर जुड़ना क्यों है तो जुड़ने के पीछे वजह है कि अब जो आप ये पढ़ोगे ना तो ये सारा स्टडी मटेरियल जाएगा कहाँ इसी ग्रुप के माध्यम से तो आपको मिलेगा तो आप इसे ज्वाइन अवश्य करें इसके अलावा क्लास की अपडेट्स नई वैकेंसी की अपडेट्स सिलेबस एनालिसिस बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसलिए आपको इसे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आप डायरेक्ट क्यू आर कोड का इस्तेमाल करके ज्वाइन नहीं कर पा रहे नॉट एन इश्यू नीचे वीडियो के नीचे जो लिंक दे रखा है वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करके चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं जहां से हमने टॉपिक छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं तो मैंने आपसे बात की थी राजस्थान के इंटीग्रेशन पर राजस्थान के एकीकरण पर और राजस्थान के एकीकरण का कुछ टॉपिक हल्का सा छोटा मोटा टॉपिक बचा हुआ था बाकी तो मैक्सिमम हमने इससे पहले पूर्व क्लासों में देख लिया था तो आज 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में नया टॉपिक हम शुरू करेंगे राजस्थान के एकीकरण में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो पड़ाव आता है इसके अंदर जिसे हम मत्स्य मत्स्य संघ संघ कहते हैं इस के अंदर 18 मार्च 1948 को चार रियासतें मिलाई गई थी अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर साथ ही साथ इसके सेकंड फेज को देखा जाए तो इसका जो सेकंड फेज है जिसे हम पूर्व राजस्थान या हारोती संघ कहते हैं 25 मार्च 1948 को यह बना था और इसके अंतर्गत राजस्थान की सबसे ज़्यादा रियासतें मिलाई गई थी नौ रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया था टोटल दस डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ झालावाड़ कोटा बूंदी शाहपुरा किशनगढ़ ये सारी रियासतें जो हैं इस दूसरे चरण के अंदर सम्मिलित हुई थी उसके बाद में थर्ड फेज में देखते हैं हम तीसरा चरण जिसे हम संयुक्त राजस्थान की संज्ञा देते हैं अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस को संयुक्त तो राजस्थान के अंदर जो पूर्व राजस्थान की रियासतें थी उनके साथ में मेवाड़ भी सम्मिलित किया गया जिसे हम मेवाड़ या उदयपुर कहते हैं उसके बाद में हमने चौथे चरण में देखा कि परिस्थितियां काफी उठापटक थी और वृहद राजस्थान की रचना हुई राजस्थान के एक बड़े स्वरूप के दर्शन हमें होते हैं तीस मार्च उन्नीस को और इसके अंतर्गत राजस्थान की चार बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की गई थी जिसमें बीकानेर हो गई इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और लावा कहना चाह रहा था ओवरऑल आप लोगों से मेरे प्यारे मित्रों मेरे साथियों मैं यह कहना चाह रहा था कि इस राजस्थान के स्वरूप का निर्माण जब हुआ वृहद राजस्थान का तब उससे पहले समस्याएं काफ़ी दुश्वार थीं काफ़ी जबरदस्त समस्याएं थीं जैसे कि उसी समय जैसलमेर पर पाकिस्तान की ओर से हमला कर दिया गया था तो पाकिस्तान के चंगुल से जैसलमेर को बचाने के लिए हमारे दो रावड़ी राठौड़ साहब जो हैं वह उठ खड़े हुए थे एक बीकानेर के महाराज शार्दुल सिंह और दूसरे जो है नौकोठी रो धड़ी महाराजा हनुवंत सिंह तो मारवाड़ मारवाड़ा के शासक हनुवंत सिंह और बीकानेर के सिंह जी ने दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की फौज को ऐसा छठी का दूध याद दिलाया कि चपले उठा के वहां से भागी वो उसके बाद में मामला और गर्माया मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि क्यों ना जैसलमेर और बीकानेर और जोधपुर को हम ताकत से अपने में शामिल ना कर पाए तो कोई बात नहीं शाम दाम दंड भेद की नीति तो जनरली चलती ही आ रही है लाहौर में बुला दिया इन दोनों राजाओं को और ये शक हुआ देश रियासत विभाग को कि भाई साहब ये जो बीकानेर है और जोधपुर हैं कहीं पाकिस्तान ना चले जाए इस कारण से इन दोनों रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए राम मनोहर लोहिया ने एक चाल चली और वो लोहिया जी की जो चाल थी वह काठियावाड़ के साथ में इनको मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की थी और इसी कारण से हमारे रावड़ी राठौड़ साहब जोधपुर के महाराजा धीराज, हनवंत सिंह जी नौ कोठी मारवाड़ी पिस्टल लेकर सीधा चढ़ गए वीपी मेनन के ऊपर और कहा कि रियासत तो छोड़ो अगर पटेल मेरे रास्ते से हो, हट जाए तो मैं पाक हिंदुस्तान का सम्राट बन जाऊं जाऊंट देखो भाई साहब तो आपने यहां पर नोटिस किया कि कहीं ना कहीं इन रियासतों को मिलाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था बहुत बड़ी चुनौती थी आपने यह भी देखा कि पहले चरण के अंदर राजस्थान का अलवर भरतपुर करौली वाला क्षेत्र जिसे हम पूर्वोत्तर राजस्थान कह सकते हैं वह शामिल हुआ और जिसमें आपने यह महसूस किया कि वह सांप्रदायिक दंगों की आड़ में उसको राजस्थान के अंदर शामिल करने की कोशिश की गई अब यह किसमें मिलेगा यह तो तय नहीं था उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ शाहपुरा यह वाली रियासतें शामिल की गई उसके बाद में इसके अंतर्गत मेवाड़ भी सम्मिलित कर लिया गया तीसरे चरण में और उसके बाद में चौथे चरण में ये वाला प्रदेश जो है वह शामिल किया गया ठीक है अभी तक राजस्थान का जो पोर्शन है वह कुछ इस तरह का दिखता था क्योंकि मत्स्य संघ अभी तक किसमें शामिल होगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया था ठीक है तो मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया कैसे मिलाया गया तो भाई साहब मत्स्य संघ को पंचम चरण में मिलाया गया पंचम चरण यानी पांचवा चरण जिसे हम संयुक्त वृहद राजस्थान कहते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान के तहत एक कमिटी गठित की गई जिसका नाम था शंकर देव नारायण राव समिति शंकर देव नारायण राव समिति इस समिति का गठन करके मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया अब आप कहोगे कि सर राजप्रमुख उपराज प्रमुख महाराज प्रमुख है ना ये कब कैसे किस प्रकार से तो जो चौथे चरण में जो रियासतों में राजप्रमुख उपराज प्रमुख महाराज प्रमुख थे वो के वो पांचवें चरण में भी शामिल किए गए यानी इसमें कोई चेंज नहीं आया ठीक है तो कुल मिलाकर पांचवें चरण में आपको इतना ही याद रखना है कि शंकर देव नारायण राव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था ठीक है और मत्स्य संघ का नामकरण किस समिति के आधार पर किया गया था नामकरण किया गया था कन्हैयालाल माणिक्य मुंशी की सिफारिश पर इन समितियों को जरूर याद रखना ठीक है इसके अलावा आपने चौथे चरण में एक और समिति देखी थी पी सत्यनारायण राव समिति जिसके आधार पर राजधानी और विभागों का बंटवारा किया गया था इस चरण के अंतर्गत आप यह मान के चलिए कि चतुर्थ चरण में जो व्यवस्था थी जो राजप्रमुख राजधानी वगैरह व्यवस्था थी उसे यथावत रखा गया वैसा का वैसा रखा गया ठीक है साहब चलिए ना इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है इतने भी जल्लाद नहीं है पीएचडी नहीं करना है अपन को सब्जेक्ट पे, अगर आपको उस लेवल से पढ़ाई करनी है ना तो फिर आपको सेकेंड पेपर हिस्ट्री के लिए आना पड़ेगा या फिर आपको मेरे साथ में कॉलेज आना पड़ेगा जहां मैं हिस्ट्री पढ़ा हूं या फिर किसी सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या फिर यू समझ लो आपको कॉलेज लेक्चरर की पढ़ाई करनी होगी बीएचडी करनी होगी इतने भी जल्लाद नहीं है एग्जामिनेशन मिनर कि आपको इतना डेप्थ में जाकर सवाल पूछे ठीक है आपको ये कमिटीज याद रखनी है अब आते हैं हम राजस्थान के एकीकरण पर छठे चरण पर जिसे हम सष्टम चरण कह सकते हैं सष्टम चरण देखिए सष्टम चरण का नाम है राजस्थान संघ ठीक है साहब सष्टम चरण ये कौन है मेरी क्लास में किरान किरण बाला भाद्रा चीन से प्रणाम सर जी वाह तो किरण वाला नहीं होना चाहिए फिर तो आपका नाम किनू मुनु होना चाहिए है ना चाइना से तो किलो मोलो मोलोटम चरण राजस्थान संघ डेट है 26 जनवरी 1950 अच्छा एक बात बताओ 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था मैं तो देखो भाई सीधी सी बात है मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता इतिहास का विद्यार्थी हूं ठीक है और इतिहास पढ़ाने का अनुभव लगभग चौदह सालों तक का है पॉलिटी का इतना कोई विशेष नॉलेज नहीं रखता तो बताओ ना पॉलिटिकल साइंस में छब्बीस जनवरी 1950 को क्या हुआ था क्या हुआ था हां जी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था वेरी गुड वेरी गुड रिपब्लिक डे वेरी गुड हमारा संविधान लागू हुआ था वैसे पॉलिटिकल साइंस वाले बेहतर जानते होंगे देखिए इस चरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिरोही जो काफी लंबे समय से मामला अटका हुआ था आबू देलवाड़ा को छोड़कर राजस्थान में शामिल किया गया यह सबने लगभग कॉमन रूप से पढ़ा होगा और आपको तो पता है कि सिरोही का मामला काफी लंबे समय तक लटका हुआ था तो सिरोही का मामला लटकने के पीछे कारण क्या था पहले उस कारण पर हम बात करेंगे उसके बाद में इस 26 जनवरी 1950 की डेट का महत्व समझेंगे कि उस दिन राजस्थान में क्या क्या चेंजेस आए तो भैया मेरे सिरोही आपने देखा कि सब छठे चरण और आबू तो ठेठ सातवें चरण में शामिल किया गया तो गड़बड़ तो है क्या गड़बड़ है सुनो आपको पता होगा सरदार पटेल साहब कहां के हैं पाटीदार साहब गुजराती है ना लॉयर है वकील है लेकिन उस जमाने में गुजरात जो है वह गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बंबई प्रांत कहलाते थे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिला के बंबई कहलाते थे ये बंबई के थे वर्तमान में गुजराती हैं पटेल साहब तो आप जरा सोचो कि सारे भारत के अंदर सारी रियासतों का विलय करने का काम कौन कर रहा है रियासतों को मिला कौन रहा है पटेल साहब तो पटेल साहब कभी चाहेंगे कि माउंट आबू जैसा पर्यटक स्थल माउंट आबू जैसा पर्यटक स्थल किरण बालाजी खुश रहो वह राजस्थान को मिले कतई नहीं चाहेंगे तो पटेल साहब चाहते थे कि सिरोही और आबू गुजरात में मिले उस समय के बंबई प्रांत में मिले आपको मैं रिकॉल करवा दूं मैंने लास्ट क्लास में क्या कहा था लास्ट क्लास में कहा था जब तीसरे चरण में मैंने कहा था कि जब मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी को मनाने के लिए जब कांग्रेस और उनका पूरा मंत्रिमंडल इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू उदयपुर आए थे ठीक है तब जवाहरलाल नेहरू ने हाथ मिलाया था गोकुल भाई से याद आया गोकुल भाई भट्ट से तो गोकुल भाई भट्ट ने नेहरू जी से हाथ मिलाकर कहा था कि हमें बड़ी खुशी है कि आखिरकार महाराणा मान गए खुशी तो तब दुगुनी होती जब सिरोही भी राजस्थान में शामिल कर लिया जाता है ना क्योंकि सिरोही के शुरू से संबंध किसके साथ में रहे हैं मेवाड़ के साथ में याद आया कुछ तो गोकुल भाई को नेहरू जी ने आश्वासन दिया नेहरू जी ने कहा कि देखो आप तो जानते हो कि मेवाड़ में क्या लफड़ा है और पटेल साहब मेवाड़ क्यों नहीं आए हैं क्योंकि भोपाल सिंह जी और पटेल साहब के बीच में बन नहीं रही है इसलिए मुझे आना पड़ा वैसे देसी रियासती विभाग की जिम्मेदारी पटेल साहब के ऊपर है मैं उनसे बात करूंगा दिल्ली जाकर कि यह सिरोही का क्या लफड़ा है अब इस सिरोही के लफड़े के अंदर एक और लफड़ा घुसा हुआ था क्या लफड़ा था हमारे देश के हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री में ऑनलाइन लाइव क्लास में कुछ बात बोलना नहीं चाह रहा हूं यूँ समझ लो मेरी जबान थोड़ी सी यहां पर दबी हुई है क्योंकि ऐसी चीज़ें जल्द वायरल हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें वायरल हो जिससे फालतू का विवाद बढ़े लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़ी मिन्नतों के साथ में हमको मिले हुकुम ठीक है दोनों में काफी समानताएं थी साहब काफी समानताएं थी ठीक है समानताएं मैं खुल के नहीं बोल सकता आप समझ जाओ मेरी मेरा इशारा नेहरू जी अपने जेब में हमेशा गुलाब रखते थे पता है ना गुलाब रखते थे अब क्यों रखते थे आप दिमाग के गोते लगा लो ठीक है चाचा नेहरू वैसा के वैसे थोड़े से शास्त्री जी भी अपने शास्त्री जी की जो आवाज थी ना वो बिल्कुल मतलब काफी समानता ऐसे बोलते थे कि मेरे लिए सिरोही का मतलब गोकुल भाई है और गोकुल भाई के बिना राजस्थान अदूरा है ये 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 टोन था उनका आपको पता है ना एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था यानी एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के साथ में धोखा ही था वो जो मैं आपको प्रजामंडल में पढ़ाऊंगा आपको जेंटलमैन एग्रीमेंट भारत छोड़ो आंदोलन को कमजोर करने के लिए या साथ ना देने के लिए उन्होंने मिर्जा इस्माइल खान के साथ में एग्रीमेंट किया था भाई साहब तो जब नेहरू जी ने बात की पटेल साहब से दिल्ली जाकर हैं और पटेल साहब को नेहरू जी ने कहा कि मैं जब मेवाड़ गया था तो मेवाड़ में वहां एक कांग्रेस के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता मिले थे गोकुल भाई करके नाम है उनका वो कह रहे थे कि हमें बड़ी खुशी है कि आखिरकार महाराणा मान गए खुशी तो तब दुगुनी होती जब सिरोही भी राजस्थान में शामिल कर लिया जाता यह सिरोही का क्या मैटर है नेहरू जी ने पूछा पटेल साहब को और पटेल साहब तो बड़े चलाक आदमी साम दाम भेद सबको उनको आता था तो उन्होंने एक टेलीग्राफ दिखाया टेलीग्राफ। ठीक है भाई साहब जो हमारे पंडित हीरालाल शास्त्री का था पंडित हीरालाल शास्त्री ने उस टेलीग्राफ में लिखा था कि मेरे लिए सिरोही का तात्पर्य गोकुल भाई है मेरे लिए सिरोही का तात्पर्य गोकुल भाई है और गोकुल भाई के बिना के बिना राजस्थान अधूरा है यह कहा था तो पटेल साहब ने तुरंत नेहरू जी को कहा कि साहब हमने गोकुल भाई दे दिए उनको और फिर भी माउंट आबू रख लिया यानी कि शास्त्री जी की गड़बड़ की वजह से माउंट आबू हाथ से निकलता हुआ पिसलता हुआ दिखाई दे रहा था वो तो मेहरबानी हो गोकुल भाई बटकी की उन्होंने सड़कों पे उतर के नारेबाजी की तब जाके माउंट आबू दिया नहीं तो माउंट आबू डकार जाते पटेल साहब गुजरात में टिका देते और आप माउंट आबू घूमने जाते ना तो आपको फिर बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ता ये थे हमारे शास्त्री जी तो ऐसे कोटेशन आपको पूछे जा सकते हैं खाली इतना कोटेशन याद करने की जरूरत नहीं है खाली एक कोटेशन याद करते हैं आप कि वो वाला कोटेशन याद करते हैं कि मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वॉरंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं तो गोकुल भाई का गांव माउंट आबू को रख के सारा का सारा सिरोही दे दिया था इस छठे चरण में ठीक है साथ ही साथ इस चरण के अंदर आपने एक चीज और नोटिस की होगी ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ठीक है पॉलिटिकल साइंस वाले छात्र इसको बहुत बेहतर से समझ पाएंगे जो बेसिक ज्ञान रखते हैं पॉलिटिकल साइंस का वो इसे अच्छे से समझ पाएंगे लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी नहीं है उनको भी कोशिश करूंगा मैं समझा दूं, हालांकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं ठीक है फिर भी कोशिश करूंगा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है बात देखो एक होता है यूनियन स्टेट आई थिंक मैं सही हूं तो एक होता है यूनाइटेड स्टेट है ना यूनियन स्टेट्स मींस संघ राज्य और यूनाइटेड स्टेट्स मींस राज्य संघ सही है ना पॉलिटिकल साइंस में यही है बताओ मुझे आपके खास की कसम में सही सही बताना बताओ मुझे भारत इसमें से कौन सा है यूनाइटेड स्टेट है या यूनियन स्टेट है संघ राज्य है या राज्यों का संघ है अगर भारत यूनाइटेड स्टेट होता तो भारत का नाम भी होता यूएसआई यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लाइक यूनाइटेड किंगडम लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना जस्ट लाइक like भारत यूएसआई नहीं है भारत का मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद पहला ही यह कहता है भारत मतलब इंडिया इंडिया मतलब भारत तीसरा अर्थ ना निकाला जाए भारत एक संघ राज्य है देश पहले और फिर राज्य तो अगर भारत एक संघ है भारत एक संघ है तो राजस्थान के ऊपर संघ शब्द कैसे लगेगा अगर राजस्थान भी एक संघ है तो भारत की जगह भारत के जैसे जैसे राजस्थान भी एक अलग देश कहलाएगा नहीं समझे बहुत गहरी बात है बट सच है इसलिए इसी चरण में राजस्थान के ऊपर से संघ शब्द हटाया गया क्योंकि इंडिया इज यूनियन राजस्थान इट्स नॉट यूनियन ठीक है अब आप राजस्थान को इसके बाद में कुछ भी कह सकते हो रजवाड़ो राजस्थान रंगीलो राजस्थान हरियालो राजस्थान मारो राजस्थान जो कहना चाहते हो कह सकते हो लेकिन राजस्थान को संघ नहीं कहोगे अगर संघ कहोगे तो राजस्थान एक स्वतंत्र देश होगा डोमिनिक स्टेट्स होगा ठीक है तो अगर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है भारत राजस्थान भी संविधान के दायरे में आया है तो राजस्थान जो पहले सेकेंड श्रेणी में आता था जिसको बी श्रेणी के राज्य कहते हैं जो रियासतों से मिलकर बना था वह राजस्थान अब केंद्र के अधीन यानी ए श्रेणी में तब्दील हो गया फर्स्ट श्रेणी में आ गया जैसे कि पहले ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे ठीक है और अगर राजस्थान राज्य है तो वहां पर वहां पर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता वहां पे मुख्यमंत्री होगा समझ गए यानी हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री कहलाएंगे दिखता नहीं है ये चरण लोगों को लगता बड़ा आसान है सिरोही शामिल किया गया इतने में ही खुश हो जाते हैं। नहीं छठा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक यहां से कभी सवाल बनाए नहीं जाते लेकिन अगर बनाने जाए एग्जामिनर अपने स्टाइल पे आ जाए तो सबसे ज्यादा दर्दनाक सवाल यहीं से आ सकता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं हम सातवें चरण पर सप्तम चरण पर कि सातवें चरण में क्या क्या हलचले हुई क्या क्या बदला देखो साहब सप्तम चरण सातवां चरण नाम बस वही हमारो राजस्थान ओनली राजस्थान दिनांक एक नवंबर 1956 क्या हुआ कुछ नहीं छोटी मोटी चीजें हुई साहब कोई ज्यादा विशेष नहीं हुआ एक तो इसमें अजमेर मेरवाड़ा इसके अलावा आबू देलवाड़ा आबू देलवाड़ा तो क्यों शामिल किया गया वही गोकुल भाई बट सड़कों पे उतर के नारेबाजी कर रहे थे इस चार कारण से और इसके अलावा सुनेल टिप्पा गांव ये अपने मंदसौर मध्य प्रदेश का था ये अपने राजस्थान में शामिल किए गए ठीक है इसके अलावा एक गांव था जिसका नाम था सिरोंजा गांव ये गांव झालावाड़ का था मध्य प्रदेश को दिया गया यानी एक गांव हमने लिया दूसरा गांव दिया सीधी सी, सी बात यह एक नवंबर 1956 को हुआ जब हमारे राजस्थान के सीएम साहब थे मोहनलाल जी सुखाड़िया हमारे उदयपुर के सपूत मोहन लाल जी सुखाड़िया साहब ठीक है हुक्म तो चले इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं और एकीकरण का समापन करते हैं अब आपके मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक बचा है और वो टॉपिक है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का प्यारा प्यारा सा टॉपिक और वो है राजस्थान का प्रजामंडल जी हां प्रजामंडल देखिए प्रजामंडल को हम आंदोलन की संज्ञा देते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन हुआ था करें शुरू थोड़ा पानी वाणी पी लू फिर करते हैं अपन स्टार्ट प्रजामंडल को देखो साहब प्रजामंडल आंदोलन में सिंपल सा मेनली सवाल जो आता है कौन सा प्रजामंडल कब गठित किया गया ये सवाल आता है और प्रजामंडल आंदोलन में क्या क्या कुछ घटनाक्रम हुए ये भी कभी कभार आ जाता है सवाल लेकिन मेन जो सवाल आता है कौन सा प्रजामंडल कब गठित किया गया और उस प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो कौन है ठीक है या फिर कोई नेता छुट्टे पुट्टे पूछ लेते हैं ओके okay? तो प्रजामंडल क्या है यह भी मैं समझाऊंगा उससे पहले अपन प्रजामंडल को कॉलम वाइज देख लेते हैं कौन सा प्रजामंडल कब गठित हुआ है क्योंकि छोटा मोटा मुद्दा तो यही पूछा जाता है कौन से वर्ष प्रजामंडल का नाम और प्रजामंडल के संस्थापक ठीक है ओके उसके बाद में हम इसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे देखिए सबसे पहले भारत में राजस्थान में प्रजामंडल की शुरुआत जो होना आरंभ हुआ था वो मूल रूप से 1938 में हुआ था लेकिन कुछ प्रजामंडल उससे पहले ही घटित हो चुके थे हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रजामंडलों के जो बीज हैं वह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान के एक आदिवासी किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन के तहत ठीक है देखिए सबसे पहला प्रजामंडल राजस्थान में जो गठित हुआ था वह 1931 को हुआ था 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ कायदे से हालांकि देखा जाए तो यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जयपुर प्रजामंडल का अस्तित्व वास्तव में 1931 में आया क्योंकि उससे पहले भी और उसके बाद में भी, भी ये प्रजामंडल भूमिका में रहा था लेकिन राणो जी कह वठे उदयपुर आप कही कर फालतू छेड़छाड़ थोड़ी करनी है अपने तो गोलो राइट वैणो चावे है ना तो करपूर चंद पाटनी साहब इसके संस्थापक है करपूर चंद पाटनी उसके बाद में नाम आता है बूंदी प्रजामंडल का बूंदी प्रजामंडल और इसके संस्थापक हैं कांतीलाल जैन ठीक उसके बाद में अपन थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं 1932 को कोई गठित नहीं हुआ फिर 1933 को खाली छोड़ देते हैं कोई गठित नहीं हुआ फिर आती है नंबर 1934 का चाहे तो आप इसको एक सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं सीक्वेंस के हिसाब से समझ सकते हैं ठीक है साहब वैसे प्रजामंडल की देत को लेकर कांति चंद चौथानी अलग है ये कांतिलाल जैन है दो दो कांतीलाल है भाई साहब यहां तक चाहे तो आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पंचमंडल पर, पर फोकस करते हैं ठीक फिर उसके बाद नंबर आता है वर्ष 1934 का इसमें एक तो आपका आएगा मारवाड़ प्रजामंडल और एक आएगा हाड़ोती प्रजामंडल देखिए प्रजामंडल की डेटों को लेकर काफी विवाद है अलग अलग किताबों में अलग अलग एंगल से लिखी गई हैं ये विवाद क्यों है जब मैं सारे प्रजामंडल आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा तब आपको सब पता चल जाएगा कि इन प्रजामंडल के होने के पीछे अलग अलग डेट में विवाद क्यों है ठीक है अभी फिलहाल आप प्रजामंडल कब कब कौन कौन सा गठित हुआ एक बार आप बलि चाहे तो लिखो या फिर समझो और एक उन्नीस में प्रजामंडल गठित हुआ था हाड़ोती प्रजामंडल ठीक है मारवाड़ प्रजामंडल के नेता थे भंवरलाल सर्राफ संस्थापक भंवर लाल सर्राफ हालांकि इस प्रजामंडल में आप कहीं कहीं पर देखो कि जयनारायण व्यास ने काम किया था ठीक है और हारती प्रजामंडल के नेता थे पंडित नैनू राम शर्मा देखिए सारे नेता वही हैं कहीं ना कहीं जिन्होंने किसान आंदोलन आदिवासी आंदोलन मजदूर आंदोलन में भूमिका निभाई थी ठीक है फिर समय आता है 1935 का जी हां 1935 में कोई भी प्रजामंडल गठित नहीं हुआ था ठीक है फिर आता है 1936 का दौर 1936 में मैं फिर कह रहा हूं अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट के साथ में उलझाए गए ये प्रजामंडल और इस उलझने की वजह आपको जब मैं संपूर्ण प्रजामंडल को एक्सप्लेन करूंगा तब जाके आपके दिमाग में बैठेगी कि ये डेटों का झमेला ऊपर नीचे क्यों है।, है ना जहां पर डेट का झमेला ऊपर नीचे है ना मित्रों वहां पर एग्जामिनर भी पूछने से पहले दस बार सोचता है डोंट वरी वहां से सवाल नहीं उठेगा जहां पर डेट्स को लेकर विवाद है 1936 में बीकानेर प्रजामंडल मेघाराम वैद्य ठीक है 1936 फिर 1938 में 1937 में कोई भी प्रजामंडल नहीं है ध्यान रखना फिर आता है 1938 का दौर क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन को हवा देने का जो काम है वह 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष बाबू ने किया था इसलिए सबसे ज्यादा प्रजामंडल 1938 में ही गठित हुए थे मेवाड़ प्रजामंडल कहीं कहीं पे इनके नेता आपको माणिक्यलाल वर्मा दिखाई देंगे और कहीं पे आपको कोई और भी नाम सामने आ सकता है बट डोंट वरी जब हम मेवाड़ प्रजामंडल की डिटेल समझेंगे तब आपके सामने सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि चक्कर क्या है ठीक है इसके अलावा मारवाड़ प्रजा परिषद मारवाड़ प्रजा परिषद अब देखो एक नवा चीज सामने आ गई प्रजा परिषद अभी तक प्रजा मंडल की बात कर रहा था अब प्रजा परिषद की बात करने लग गया मैं अब ये प्रजा परिषद का क्या चक्कर है वो भी मैं आपको समझाऊंगा बाद में छोड़ दास फिलहाल तो आप ये सारा लिखते रहो रणछोड़ दास गट्टानी ठीक है यहां तक आप चाहो तो भले स्क्रीन शॉट ले लो मैं आपको थोड़ा सा मौका दे रहा हूं यहां पर स्क्रीन शॉट लेने का फिर उसके बाद 1938 में ही अलवर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा फिर 1938 में ही भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल फिर 1938 में ही धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु शाहपुरा प्रजामंडल लादूराम जैन ठीक है ये हो गए फिर उन्नीस का दौर आया कहीं पे आपको 1938 भी मिल सकता है करौली का कहीं पे उन्नीस भी मिलेगा ये चक्कर अक्सर डेटों का क्यों है जब हम प्रजामंडल समझेंगे तब आपके दिमाग में बैठेगी करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट ठीक है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें एक और ऐड कीजिए उन्नीस कोटा प्रजा परिषद अब ये नवा लफड़ा है कोटा प्रजा परिषद अभी तक प्रजा मंडल ही देख रहे थे अभिन्नहरी सब समझाऊंगा आपको जब मैं प्रजामंडल एक्सप्लेन करूंगा ठीक है चाहे तो स्क्रीनशॉट तैयार कर लीजिए हाँ हाँ सब सब देखेंगे सब देखेंगे चिरंजी लाल शर्मा वगैरह गुप्ता ने सब देखेंगे डोंट वरी हो गया फिर नेक्स्ट फिर आपको 1939 के बाद में 1940 खाली छोड़ देना है 1941 खाली छोड़ देना है नहीं कोई भी फिर 1900 42 ठीक है 1900 यालीस उन्नीस सौ चौवालीस उन्नीस सौ पैतालीस और उन्नीस सौ छियालीस तक जाना है ठीक है उन्नीस सौ बयालीस में ध्यान से देखिएगा बीकानेर ये चक्कर इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि लोग कुछ लोग प्रजामंडल और प्रजा परिषद को एक ही समझ बैठते हैं मैं जब समझाऊंगा ना आपको कि प्रजामंडल और प्रजा परिषद में क्या अंतर होता है तब जाके आपके दिमाग में बैठेगी कि ये चक्कर क्या पड़ रहा है रघुवीर दयाल देखो प्रजा परिषद अभी तक आपने देखा कहां कहां बनी है प्रजा परिषद देखो कोटा में बनी है प्रजा परिषद मारवाड़ में आपने देखी है प्रजा परिषद बनी है ठीक है तो चक्कर इसी कारण से पड़ रहा है कुछ चीजें समझ नहीं पाते लोग समझा नहीं पाते चक्कर वो पड़ जाता है कुशलगढ़ प्रजामंडल भवरलाल निगम इनका संबंध सोनू निगम से बिल्कुल भी नहीं है फिर 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल या चक्कर नहीं है सब जगह एक एक ही प्रजामंडल है बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्रनाथ और फिर है डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल जी पंड्या साहब एंड फिर 1945 में कुछ लोगों को लगता है दो गठित हुए हैं पर जी नहीं जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास कुछ लोगों को लगता है प्रतापगढ़ का प्रजामंडल भी गठित हुआ था जी नहीं प्रतापगढ़ प्रजामंडल गठित नहीं हुआ था लिखते हैं अमृतलाल पायक लेकिन यह गठित नहीं हुआ था गठन नहीं साफ लिख रहा हूं शब्दों में चैलेंज के साथ और फिर है बांसवाड़ा प्रजामंडल सॉरी झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल तो ये है हमारे राजस्थान के प्रमुख प्रमुख प्रजा प्रजा प्रजा, प्रजा मंडल ठीक है हाँ सब समझाएंगे सब समझाएंगे मोटे तौर पे जो सवाल आता है ना वो यही आता है कि कौन सा प्रजामंडल कब गठित हुआ और कौन से प्रजामंडल के संस्थापक कौन है तौर पर यहीं से सवाल आता है ठीक है साहब हां चुन्नी लाल ने, उन्नी लाल भी सब कुछ है ओके मोटे तौर पर सवाल यही आता कि कौन सा प्रजामंडल कब गठित हुआ या कौन से प्रजामंडल के नेता कौन है इसके अलावा प्रजामंडल के अंदर वाली बातें हैं वो अपन समझेंगे आराम से समझेंगे अगले एपिसोड में समझेंगे ठीक है और प्रजामंडल मैंने जो मोटे मोटे तौर पे से सवाल बन सकता है वो चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं प्रजामंडल क्या होता है प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य क्या है वहां पर क्या क्या घटनाक्रम हुए सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे आज की क्लास में तो ये संभव नहीं हो पाएगा लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर ये सारी चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है ठीक है और कौन से वर्ष प्रजामंडल गठित नहीं हुआ है वो भी आपको लिखना है ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उठ पटांग तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करो जैसे इन 1931 में हुआ है तो आपको सामने लिखना है 1931 में 1931 में और 1932 में नहीं हुआ तो खाली छोड़ देना है 1933 में नहीं हुआ तो खाली छोड़ देना है ऐसे नोट्स बनाने चाहिए आपको फिर 1934 में दो प्रजामंडल गठित हुए तो लिखना है मेंशन करना है फिर 1935 में नहीं हुआ है तो खाली छोड़ना है समझ गए ना मेरे कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से इस सीक्वेंस से आपको यह भी पता चल जाएगा कि सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा है सबसे लास्ट कौन सा है अब फर्स्ट और लास्ट तो आपको पता चल ही गया फर्स्ट कौन सा है सबसे पहले राजस्थान में प्रजामंडल फर्स्ट है अपना जयपुर वाला और सबसे लास्ट कौन सा है छियालीस में छियालीस में सबसे लास्ट वाला है झालावाड़ वाला ठीक है फर्स्ट वाला कौन है कर्पूर चंद पाटनी और लास्ट वाला कौन सा है हां जो किशनगढ़ प्रजामंडल है वह कांति चंद चौथानी ने उसका संस्थापक है वो आप उन्नीस में टिका दो मेरे से स्कीप हो गया उन्नीस सौ उनचालीस कहा गया यहां थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं इसको छोटा क्यों नहीं हो रहा है हाँ यहां टिका दो भाई इतने सारे प्रजामंडल है इतने नेता है तो दिमाग से स्लिप हो ही जाते हैं रट्टा लगा के तो बैठे नहीं है कांती चंद चौथानी पे है किशनगढ़ पे है। कांती चंद चौथानी ठीक है साहब चलो तो आज मैं आपको टाटा बाय बाय बोल देता हूं अगली क्लास में हम प्रजामंडल की एक एक बारीकी को समझेंगे कि प्रजामंडल होता क्या है और प्रजामंडल में क्या क्या विशेषताएं हैं है। मोटे तौर पर आपकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि प्रजामंडल आप को ज्यादातर जो है सिंपल सा सवाल आता है यह सवाल जनरली मिलान करने से रिलेटेड आता है एक और सारे प्रजामंडल दे, दे देंगे दूसरी तरफ उसके नेता दे देंगे दे 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 दे, आपको मिलान करना होगा या फिर एक तरफ प्रजामंडल दे देंगे दे दे, दूसरी तरफ उसका ईयर दे देंगे दे दे, आपको मिलान करना होगा ठीक है अंदर वाली बातें अपन अगली क्लास में देखेंगे नाउ टाटा बाय बाय जय हिंद